बहुत समय पहले की बात है, एक राजा ने अपने आदमियों से सड़क पर एक बड़ी चट्टान रखवा दी। फिर वह जाकर झाड़ियों में छिप गया और देखने लगा कि क्या कोई चट्टान रास्ते से हटाएगा। राजा के कुछ धनी व्यापारी और दरबारी वहां से गुजरे और चट्टान के चारों ओर घूमकर चले गए। कई लोगों ने राजा को सड़क साफ न रखने के लिए दोषी ठहराया, लेकिन उनमें से किसी ने भी पत्थर को हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन एक किसान सब्जियां लेकर वहां से गुजरा। चट्टान के पास पहुंचते ही किसान ने अपने बोझ को नीचे रख दिया और चट्टान को रास्ते से हटाने की कोशिश की। बहुत धक्का देने और मेहनत करने के बाद आखिरकार वह सफल हो गया। जब किसान अपनी सब्जियां उठाने के लिए वापस लौटा तो उसने देखा जहां पहले चट्टान थी वहां सड़क पर एक थैली पड़ी हुई है। उस थैली में बहुत से सोने के सिक्के थे और राजा की एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, यह सोना उस व्यक्ति के लिए है जिसने इस चट्टान को रास्ते से हटाया। जीवन में हमें कई बार बाधाएं मिलती हैं, वे हमें अपनी हालत सुधारने का एक अवसर देती हैं। जबकि आलसी लोग शिकायत करते हैं, जबकि मेहनती आदमी उसे एक अवसर की तरह देखता है और उसे उसका फल भी अवश्य मिलता है। इसलिए हर समस्या को हमें एक अवसर की तरह देखना चाहिए। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सभी का इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।